So Nepali army force has uploaded a video saying that Nepalese Navy warning India. Let's check it out. जो नेपाल को नेपाल और नेपाली को दूसरा नाम रख देगा, पर तुम लोगों का नाम रख दिया ब्लैक डॉग। गुस्सा करता है तुम लोग ने। अब चाइना तो पहले लगाता था, पाकिस्तान भी अच्छा से लगाता था, वो हमारे को भी मालूम है। तुम्हारे पहले का भाई है पाकिस्तान, मालूम है तुम्हारे। वेट 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 वेट, पाकिस्तान अपना पुराना भाई है? आर यू सीरियस? लाइक पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तान का बाप बोला जाता है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. जो नेत है ना, नेत का कारण से ही पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान तो अच्छा से लगाता है। पाकिस्तान अलग इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज दे वांटेड टू. पाकिस्तान को अलग किया गया था बिकॉज ऑफ आवर चूतिया लीडरशिप. चाइना भी अच्छा से लगाता है, अब नेपाल भी अच्छा से लगाएगा। बांग्लादेश तो पहले से ही लगा रहा है। बांग्लादेश पहले से लगा रहा है? आर यू फकिंग किडिंग मी ब्रो? अब आया भूटान, भूटान भी तुम्हारा अच्छा से लगाएगा। भूटान ने तो कुछ बोला ही नहीं, अपने मर्जी से कुछ भी बोलोगे. तुम लोग भिखारी हो तो भिखारी। अगर नेपाल और भूटान बांग्लादेश ने कुछ नहीं दिया ना, तो तुम्हारा इंडिया में भुखमरी लगेगा। भुखमरी साला मरुभूमि हो जाएगा। तुम्हें शुक्र कर। एज लॉन्ग एज आई नो, हमारे इंडिया से ज़्यादा सामान नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है कंपेयर टू द अमाउंट इम्पोर्टेड. सो नॉट ए वैलिड पॉइंट. कि नेपाली लोग और भूटानी लोग दया करके माया करके, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, विशाल दिल होता है। तुम लोगों को दया करके कुछ लो, साले इंडिया का भिखारी लोग खाओ बोल के वो दे दिया। भाई ये उल्टा नहीं हो गया? इंडिया में आके तुम लोग काम करते हो, तुम लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, तुम लोगों को नौकरी दिया जाता है, देन तुम लोग हम पे दया करते हो या हम तुम पे दया करते हैं? दिल किसका बड़ा है? यू शुड बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स. और जो एक एक कुत्ता था ना, वो टिकटॉक में भूख रहा था, वो टिकटॉक में भूख रहा था ना कि नेपाली लोग चौकीदार करने के लिए आते हैं। अरे चुतिया, ये यूनिफॉर्म सिक्योरिटी गार्ड का ही है ना? आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड इज टर्म्ड ए चौकीदार इन हिंदी ओनली. ओके तुम्हारा हिंदुस्तानी लोग हमारे नेपाल में कचड़े का काम करते हैं, करने के लिए आते हैं। हम लोग नहीं करते हैं कचड़े। कुछ भी वेंचुत. भाई इंडिया से कोई नेपाल में नहीं जाता काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए. नेपाल से आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए, जो भी करने के लिए, वो इंडिया में आते हैं वेंचुत. का काम हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग इज्जत का काम करते हैं। और जो तुम्हारा हिंदुस्तानी लोग है ना, वो साले ब्लैक डॉग, वो लोग नेपाल में आके कचरे का काम करते हैं, प्लास्टिक उठाना और भीख मांगना और भीख देना। वो भाई मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा हूँ लग रहा हमारा काम है, भीख मांगना हमारा काम नहीं है। तुम जैसे ब्लैक डॉग लोग नेपाल में आते हो भीख मांगने के लिए, और हम लोग दान भी रहे हैं। हम तुम लोग इंडिया के लंडवीरो. भिखारी लोगों को दान देते हैं, समझ गया? और रहा क्या बोला, जीबी रोड, जीबी रोड क्या बोला, जीबी रोड क्या बोला? जीबी रोड में तो 100 में 88% तुम्हारा बहन रहती है वहां पर, दीदी और तेरी बहन और तेरी प्लस माँ भी रहती है। समझा कि नहीं समझा साला ब्लैक डॉग ब्लैडी। ऐसे जीबी रोड में कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है जीबी रोड में इंडिया से ज़्यादा बाहर के लोग ही है, एंड नेपाल से तो भाई क्या ही बोलूँ. एनीवेज ये सब इस रिगार्डिंग मैं कुछ बोलूँगा नहीं बिकॉज मैं उधर गया नहीं हूँ, तो आई डोंट नो. मे बी तू गया होगा, जाता रहता होगा, आई डोंट नो. बट डेफिनेटली वहाँ पे नेपाल से काफ़ी लोग हैं, एटलीस्ट इंडिया से तो ज़्यादा लोग नेपाल से ही उधर बिलोंग करते हैं. आई थिंक फूल साला, और नेपाली को क्या बोलते इट्स ब्लडी फूल, नॉट ब्लडी फूल. हैं? ये मेरा वीडियो उसके पास पहुंचाना है, जो साले लोग मीडिया सोशल मीडिया में चपर चपर बोल रहे हैं, टिकटॉक में चपर चपर बोल रहा है, उसके साथ मैं सामना करना चाहता हूँ। साला नेपाली को भिखारी बोलता है, है तू भिखारी बोलता है नेपाली को। चुतिया गांडू, पहले तेरा तुम अपना शक्ल देख, भोंसड़ी वाला। तेरे से बेटर है आई डरो, मैं थिंक. इससे ज्यादा बड़ा गाली नहीं दूंगा। ये सोशल मीडिया है, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, पर सोशल मीडिया है, रेस्पेक्ट करते हो बोल के इतना सब गाली तो ऑलरेडी दे दिया है. कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा रेस्पेक्ट मादरचोद इसका साला. मतलब रेस्पेक्ट करते हैं तो ये तो नहीं है कि साला सर में बैठा ले तेरों को। और
जो देख रहे हैं ना वो दार्जिलिंग का साला चाइनीज, दार्जिलिंग का चाइनीज। दार्जिलिंग में चाइनीज? भाई दार्जिलिंग इंडिया का हिस्सा है, उधर जो लोग हैं वो इंडियंस ही है, चाइनीज नहीं है। भाई थोड़ा जियोग्राफी पढ़ा करो यार। ज्यादा चपर चपर बोल रही है, दार्जिलिंग में अच्छा से लगाएगा इंडिया का गवर्नमेंट तो उस टाइम नेपाल में आएगा ना साला, तेरों को तो मैं ढूंढ ढूंढ के फिर इंडिया भेजेगा देख। सिक्योरिटी और गार्ड ढूंढ तो के और भेजेगा। मेरा सोशल मीडिया अच्छा, लोग क्या बोल रहा था कि इंडिया का सोशल मीडिया का लोग क्या बोल रहे थे और इंडिया के लोग सोशल मीडिया में क्या बोल रहे थे? भाई ड्रैगन का मुंह में ले लिया क्या जो ऐसे बात कर रहा है? भाई ठीक से बात कर ले। हाँ नेपाल बहुत गरीब देश है, है, ड्रैगन का मुंह में नेपाल वाला किसी एग्जैक्टली का माय मुंह में नहीं पॉइंट। हुआ। नेपाल जा भी रहता है, स्वतंत्र रहता है, खुल के जीता है, हंस के रहता है, तुम्हारे जैसा गुलाम नहीं होता है नेपाल। और हाँ, दिस इज बिकॉज नेपाल कोई कंट्री है ये कोई मानता भी नहीं है। नेपाल को इंडिया का स्टेट के हिसाब से माना जाता है। तो बेसिकली इंडिया को जब कब्जा कर लिया था या फिर किसी ने पहले जब किया था, तो एट दैट टाइम उन्होंने नेपाल को कंट्री के हिसाब से माना ही नहीं है। नेपाल में कुछ ऐसा रिसोर्स है ही नहीं जो वो लेके जा सकते। इंडिया वॉज द मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्री बैक देन एंड अभी भी है। दैट्स वाई लोग इंडिया को डोमिनेट करना चाहते हैं। नेपाल में कुछ है ही नहीं मादरचोद, तो क्यों जाए तेरे नेपाल में भुसरी के? काम करने के टाइम में कोई गुलाम नहीं होता है मालूम है, किसी के देश में जाके काम किया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गुलाम हो गया। काम करना तो ये बहादुरी का काम होता है। गुलाम मतलब बेटा एग्री करता है तू इंडिया में आके सिक्योरिटी गार्ड और चौकीदार का नौकरी करता है? ओके तो साला तुम लोगों ब्लैक डॉग जो अंग्रेज ने अच्छे से लगाया तुम्हारा माँ को, दीदी को, बहन को अच्छे से लगाया, और उसके बाद नाम क्या रख दिया? ब्लैक डॉग। और उस ब्लैक डॉग भाई, एक किसने बोला किसी किसी ने ब्लैक डॉग नाम रख लिया? मान ले मैं, हमारा नाम ब्लैक डॉग है तो तेरा नाम क्या है? व्हाइट डॉग? आँख तो तेरा ठीक से खुल नहीं रहा बेटा और तू बात कर रहा देश का नागरिक तुम हो है। तो तुम्हारे को तो यार खाना भी नहीं आता है साला, चाय भी पीने नहीं आता था, अंग्रेज ने सिखाया पीने के लिए तो तुम लोग पिया। कौन सा हिस्ट्री पढ़ के आया भाई? कौन सा हिस्ट्री? मेरे को भी वो हिस्ट्री बुक थोड़ा पढ़ाना, मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है। और मैं सोशल मीडिया में बहुत देख रहा हूँ, तुम लोग ज्यादा ही भूख रहे हो। ओ वेंचो, भूख नहीं उसको भोक रहे होते हैं जो तू कर रहा है। तू जो भोक रहा है नॉट भूख रहे हो। भूख इज जो कि जिसको भूख लगती है, दैट इज कॉल्ड एज भूख। भूख और भोक में डिफरेंस बोलना तो सीख इंडिया ले। से मैं दुआ करता हूँ, और बांग्लादेश का गवर्नमेंट, नेपाल का गवर्नमेंट, और भूटान का गवर्नमेंट, और पाकिस्तान, पाकिस्तान तो तुम्हारे को तो मुंह भी नहीं देता है, वो तो मेरे को मालूम है, मुंह भी। भाई पाकिस्तान हमें मूत क्यों देगा भाई? पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है? दे कुछ मदद जो पाकिस्तान को, तो हम अपना लंड देते रहते हैं भोसरी के। कहाँ से आ जाते हो तुम लोग? नहीं देता है, आ करेगा ना तब भी मुंह में नहीं मुंह हाँ अभी देगा, थोड़ी देर पहले वो एक्सप्लेन किया ठीक मैंने। है। और भूटान बांग्लादेश, इतना दो दो भूटान बांग्लादेश और नेपाल, मैं ये दोनों ये तीनों देशों से मैं अनुरोध करता हूँ। मैथ्स पढ़ ले, 2 है कि 3 है वो पहले क्लेरिफिकेशन कर ले बेटा। ये सब चुतियापंती करने से पहले थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ाई कर ले। थोड़ा जाके पढ़ाई वढ़ाई कर लेता तो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ना करना पड़ता। आपका देश में जितना भी पानी है, जल है, उस पानी को आप अपना देश में ही यूज करें। हाँ, हम सारे पानी तो तेरे नेपाल भूटान और बांग्लादेश से ही ले रहे। अपने कंट्री में तो रिवर्स है ही नहीं, पानी है ही नहीं। हम तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है मादरचोद। जियोग्राफी पढ़ा कर मैंने जो बोला था, पर भाई पर जियोग्राफी पर। यूज करें कैसे होगा, कोई भी पावर प्लांट बना के या फिर अपने खेती में यूज कर सकते हैं। इंडिया को क्यों देना, वो तो साला पहले ही अमीर है ना, भोसड़ी वाला अमीर देश है ना, अमीर देश को क्यों देना है। और क्या बोल रहा था तुम लोग कि नेपाल का नाका बंद कर देगा, अरे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, अगर नेपाल के नाका लगा देगा ना 5 लाख रुपए मैं देगा। 5 लाख कभी जिंदगी में देखा है बेटा जो देने की बात कर रहा है? हाँ मतलब कुछ भी हगो मुंह से। हाँ अगर नेपाल के और इंडिया के सीमाना में तार लगाएगा ना तो 5 लाख रुपए मैं मेरे तरफ से ले देगा, नेपाल माओ। गवर्नमेंट को देगा 5 लाख रुपए मैं मेरे तरफ से देगा। तुम लोगों का ब्लैक डॉग का तो साला मैंने शक्ल ही नहीं देखना है।
और मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया का। अरे पहले ये बताना कोई यार, ये कोई मुंबई में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है उसमें सिक्योरिटी गार्ड जैसा नहीं लग रहा? जस्ट लुक एट इज यूनिफॉर्म। कि मुंबई में किसी कहीं पे मैंने तो इसको देखा है। प्लीज बताना मेरे को, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? जल्द से जल्द जो सीमा है वो प्रतिबंध लगाया जाए और उसमें पत्थर लगाया जाए। ब्लैक डॉग उधर ही रहेगा और हम लोग व्हाइट कलर के आदमी है ना, हम लोग इधर ही रहेगा। हमारे व्हाइट साथ तुम्हारा मैचिंग नहीं मिलता है। कलर तुम हो गए साला लुंगी लगा। एग्जैक्टली तुम लोगों के साथ हमारा मैचिंग नहीं मिलता। हमारे आंखें इतने छोटे नहीं रहते, इवन अपने नॉर्थ ईस्टर्न के आंखें तुमसे बड़े हैं मादरचोद। आने वाला हमारा एक कोट पैंट लगाने वाला, तो किधर से मैचिंग मिलेगा? ओ यू गाइस वेयर कोट पैंट? मैंने तो नहीं देखा यार। वो कोट पैंट नहीं बोलते जो तुम लोग पहनते हो, ठीक है? और इंडिया में एक बार आना बेटा, फिर पता चलेगा कि धोती लगाते ज्यादा या सूट्स लगाते ज्यादा, ठीक है? और बात करता है धनी और गरीब का। चलो ठीक है, मैं मानता बाय द व्हाई द फक एम आई इवन रिएक्टिंग टू ए सिक्योरिटी गार्ड्स वीडियो, आई डोंट नो, बट स्टिल। हूँ नेपाल एक गरीब देश है, हाँ है मादरचोद, भूटान भी एक गरीब देश है। अगर भूटान के लोग जब कुछ भी नहीं बोले तू भूटान को खींच खींच के अपने साइड में क्यों करना चाहता है? वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहने दे ना मादरचोद। उनके लोगों को या फिर उस कंट्री को तू बीच में क्यों घसीट रहा कोई अमीर पड़ोसी गरीब पड़ोसी को धमकी देता है तो वो बात अच्छा नहीं लगता है। क्यों अमीर पड़ोसी के साथ में, एक अमीर पड़ोसी भी है ना, उसके साथ में क्यों टक्कर नहीं लेता है? बेटा? इंडिया ने ना कभी गरीब देश पे तक पंगा लिया था, ना कभी अमीर देश है। जो भी उंगली करते हैं वो अमीर देश हो या गरीब देश हो, वही लोग पहले उंगली करते हैं, जैसे तू अभी कर रहा है। तू जैसे इंडिया को उंगली कर रहा है, फिर भी हम लोग कुछ बोलते नहीं। लेकिन जिस दिन बोले ना मादरचोद, तेरी गांड से धुआं निकलेगा। कहाँ से, मतलब नॉट ओनली गांड से, कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा बेटा, ठीक है? तुमको मालूम है अगर अमीर के साथ टक्कर लेगा तो हमारा लगाएगा अच्छा से। अच्छा बेटा लगाएगा 1965, 1999, ऐसे में क्या, 1972, 1971, ऐसे में क्या किया था बे? अमीर देश की गांड मारी थी ना? तू कहाँ से आ रहा है बेटा? जब पाकिस्तान की गांड में दम नहीं है कुछ करने का इंडिया को, तेरी गांड में कहाँ से दम हो गया? वो भी बिंगे सिक्योरिटी गार्ड। ब्रो ग्रो अप। नेपाल और जो गरीब देश है, गरीब छिमे की है, पड़ोसी है, उनके साथ बोलेगा तो वो लोग हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। उखाड़ेगा उखाड़ेगा, उखाड़ने का भी समय आता है, मालूम है? उखाड़ने का भी समय आता है और वो समय आ रहा है। अगर आ गया ना तुम्हारा हिंदुस्तानी का तो हम हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और जब आदमी का वक्त खराब चलता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। अभी जब चाइना पाकिस्तान के गांड में उंगली डालने का कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से ये लोग चूहे मादर चूद आके भाव भाव करे, चूहे भी भाव भाव करने लगे। आई डिडंट नो दैट, मतलब कुछ भी क्या हो क्या रहा है? वाट लगा देगा। और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम्हारा इंडिया का आदमी इंडिया में रहे, हमारा नेपाल का आदमी नेपाल में रहे। और बेटा इंडिया के आदमी इंडिया में ही रहता है, बट दिक्कत तुम्हारे कंट्री से है। नेपाल के लोग नेपाल में, नेपाल से ज़्यादा इंडिया में है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन नेपालीज। इंडियन नेपालीज को देख और तुम लोगों को देख, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इंडियन नेपालीज एज ए क्लास यू डोंट जल्द से जल्द पासपोर्ट लगाने का तैयारी करना चाहिए। नेपाल के लिए पासपोर्ट? आर यू फकिंग किडिंग मी? स्टेट में जाने के लिए कब से पासपोर्ट लगने लगा भाई? अगर इतना इंडिया के पास दम है, नहीं तो साला भोसड़ी वाला चपर चपर मत बोला। भाई इंडिया के पास दम है वो आदि, तुम्हारे पास दम है तो तुम लोग ये लागू करो। तुम्हें ये अथॉरिटी नहीं दिया गया था कि तुम्हारे कंट्री में आने के लिए पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट पड़े। यू शुड बी क्लियर ब्रो, ना हिस्ट्री ठीक है तेरा, ना जियोग्राफी ठीक है, और अभी तो बेंचो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज भी ठीक नहीं है। कहाँ से आ जाता है वे? भूसड़ी। और रहा एक बात, हो हमारा देश है, जब हमारे देश को हमारे को मालूम नहीं लग रहा था, साला तुम लोगों को कहाँ से मालूम लग रहा था? अरे बिकॉज हम लोग करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के साथ अवेयर है, नॉट यू। हमारा देश में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री कुछ हो जाए, तुम लोगों को क्यों सर दर्द करता है? हमारा देश में चाहे पानी आए चाहे बाढ़ आए, तुम लोगों को क्यों सर दर्द करता है? दूसरों का गाना गाना तुम लोग क्यों गाता है? अरे साला भोसड़ी वाला ब्लैक डॉग दूसरों का गाना क्यों गाता है?
वीडियो में इसने जितना बात कर लिया उससे ज़्यादा तो उसने ब्लैक डॉग यूज़ कर लिया। ब्लैक डॉग कभी पी ले तो पी लेता तो शायद ऐसा, आई थिंक तू ब्लैक डॉग पी के ही बात कर रहा है इसीलिए कुछ भी बक रहा है। तेरा देश में तो साला तुम अच्छा से देख नहीं पा रहा है कि तुम्हारा देश में कितना भिखारी लोग है, कितना भिखारी लोग खाना खाया नहीं खाया वो तुम लोग नहीं देखता है। और जो हमारा एक स्वतंत्र राज्य है, हमारा एक स्वतंत्र देश है जो कि अंग्रेज ने भी कुछ हिला नहीं पाया, तो उसने तो केयर नहीं किया। भाई अजय सेठ, किसी को भी नहीं पता था नेपाल बोल के कोई कंट्री है, तो क्यों कोई तेरे कंट्री को डोमिनेट करने जाए, क्यों? तुम लोग क्यों केयर करते हो ये चीज मेरे को हैरान आता है। कभी परखाल लगा दिया, कभी अरे हमारा सीमाना है, हमारा सीमाना में हम लोग खटाएंगे, अपना आर्मी अपना सुरक्षा कर्मी खटाएंगे, तुम्हारे को क्या सर सर दर्द है, कोई प्रॉब्लम है? भूसड़ी वाले ज्यादा बकचोदी मत कर। अगर मैं तेरे चपर 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 देख रहा हूँ बहुत दिन से, सोशल मीडिया में देख प्लेट रहा हूँ, उठा के लेके आना है। अगर ठीक इतना ही है, तेरा घमंड है ना, तुम्हारे बिल्कुल देश साफ में कर दिए भाई, 16 करोड़ आदमी है पूरे साफ ना, कर दिए भाई। हथियार नहीं ले। अरे इतना लेट क्यों हो रहा है यार? इंडिया में देख रहा हूँ, अगर इतना ही तेरा घमंड है ना, तुम्हारे देश में 16 करोड़ आदमी है ना, हथियार नहीं लेके आना, हथियार नहीं लेके आना, ठीक है? गोली बारूद नहीं लेके आना। इधर से हम लोग 3 करोड़ जाएंगे, उधर से गांड फट गई ना, गांड फट गई ना। यू नो दैट वेरी वेल कि तुम लोगों के पास कुछ लंड है नहीं जो हमारे यहाँ कुछ उखाड़ पाओ। हाँ हथियार नहीं लेके आना मादर तुम लोग चोद। 16 करोड़ आ जाओ। कसम से साले, एक आदमी तो 1000 आदमी को मारेगा। मैडम मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे इधर से 100 करोड़ जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जितने अपने घुड़काली है ना वही अगर जाए तो तुम्हारे गांड मार देंगे। तुम लोग साला धोती लोगों को, तो एक आदमी मैं ही मारूंगा, मैं कसम ज्यादा तो नहीं। अगर युद्ध की घोषणा किया ना, हथियार नहीं लेके आएगा। मेरे को मालूम है हथियार में तुम एक शक्तिशाली देश है। हाँ एग्री करता है मादरचोद, और नॉट ओनली हथियार में मादरचोद नॉर्मली भी तुम लोगों से शक्तिशाली है। मैं क्या बोला, तू 1000 लोगों को मारेगा, तेरे को देख के बेंचो एक कोई भी मार पाएगा लग नहीं रहा मेरे को। एंड एज आई सेड कि जितना हमारे घोड़काली है ना वही अगर जाए उधर तुम लोगों से लड़ाई करने तो तुम्हारी गांड मार के आ जाएगा, मैया चोद देंगे बाई गॉड। हमारा देश में हथियार नहीं है क्योंकि हथियार का हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा नाम ही काफी है, गोरखा वीर। भाई गोरखा वीर जो इंडिया में है उनको गोरखा वीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी के पास गोरखा रेजिमेंट है, दैट्स वाई। एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, दैट्स वाई उनको गोरखा वीर बोला है। तुझ जैसे चूतिए को नहीं बोला जाता मादरचोद। हमारा नाम ही काफी है, हथियार तो कायर लोग लेके चलते हैं, जो बहादुर होता है ना उसका नाम ही काफी है। तेरा नाम क्या है बे? तेरे तो यूनिफॉर्म में नाम भी नहीं लिखा मादरचोद, कोई सिक्योरिटी गार्ड का वेंचर कोई कंपनी का नाम लिखा है मादरचोद, तो तेरा नाम ही काफी होता है। लंड मेरा मादरचोद साला। और रहा दूसरा बात, अगर इतना ही ज्यादा गांड में चर्बी लगी है ना, गांड में चर्बी लगी है, बेटा गांड में तो तेरी चर्बी लगी है जो इसे भोंक रहा है, नॉट नहीं सॉरी भूख रहा है। तू ऐसे जो भूख रहा है तेरी गांड में पक्का चर्बी लगी है, वो तो लग ही रहा है मेरे को। हथियार मत लेके आओ, ठीक है? हथियार मत लेके आओ। हाँ भाई हथियार नहीं लेके जा रहा है, हथियार नहीं लेके जा रहा है क्योंकि उसकी गांड ऑलरेडी फट गई है, उसको पता है अगर हथियार होगा तो उसकी ऐसे बिना हथियार के भी गांड मार देंगे, अगर हथियार लेके जाए हम लोग तो उसकी क्या है मैया चोद के आ जाएंगे, उसको अच्छे से पता है। दैट्स व्हाई हथियार लेके नहीं आ रहा है, हथियार लेके नहीं आ रहा, बार बार यही चीज़ दोहरा रहा है। हमारा देश में 3 करोड़ जनता है, तुम्हारा देश में 16 करोड़ जनता है। बड़ा तेरा जो जितने पॉपुलेशन तेरे कंट्री का है ना उतने से ज़्यादा तो हमारे कंट्री में नेपाल नाम के लोग रहते हैं। एंड क्या ही बोलूं, बंदूक नहीं लेके आएगा, गोली नहीं लेके आएगा, और एक 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 ही बार आओ, झड़प करते हैं। साला हिंदुस्तानी को लोग, साला हिंदुस्तानी ब्लैक डॉग लोगों को तो ना पानी भी पीने के लिए नहीं देगा। हमारा हम इंसान है। अगर इंडिया ने तेरे कंट्री को एक्सपोर्टेशन बंद कर दे तो तुम लोग भूखमरी में मर जाओगे मादरचोद, ऐसे बकचोदी मत क्या करो। हमारा कुछ नहीं है, पर हमारा नाम ही काफी है, गोरखा, मालूम है? मैंने इसके बारे में पहले ही एक्सप्लेनेशन दिया है, घोड़का जो इंडिया में है वो उनको एक्चुअल घोड़का बोलते, तुम लोग बेंचो ढोंगी घोड़ के हो, ठीक है? दावत मत मारो। गोरखा का नाम सुना होगा ना, गोरखा क्या है? गोरखा अगर तुम्हारा इंडिया से गोरखा निकल जाएगा ना, तो इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा।
हाँ, राजपूताना राइफल्स, सिख रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, बाकी जो जो मराठा रेजिमेंट वो सब है। एम आई ये जोक क्यों ब्रो? पाकिस्तान चाइना अच्छा से लगाएगा, पर उस लिए वहाँ पर गोरखा है, जहाँ पर शेर रहता है ना, वहाँ पर गीदर का काम नहीं चलता है। अगर वहाँ से जब शेर निकल जाता है ना, तो गीदर लोग जीना आराम कर देगा, ये भी बात सुनो। बाय द वे, शेर सारे के सारे है, फॉर योर जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एंड जो हमारे इंडिया के गोरखा है ना, वो तेरे नेपाल को कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। दे आर इंडियंस, दे आर इंडियंस गोरखास। तू मादर चो दे, तेरा सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा बेटा, ये तू सोचना भी मत। होइन होइन, मलाई खासै हिन्दी भाषा त आउँदैन होइन, तर म आफैमा एउटा के कस्तो होइन म पता नहीं ये मादर जो क्या बोल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मे भी कुछ नेपाली फ्रेंड होंगे मेरे इसमें, तो प्लीज़ बता देना ये क्या बोल रहा है। पक्का है ये अपने इंडियन नेपाली जो है उनको भड़काने का कोशिश कर रहा है। सो कमेंट्स में बताना मेरे को कि बंदा मादर चोद बोलना क्या चाहता है, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैंने वीडियो देखा था पहले भी, ये कुछ नेपालीज में, नेपाली में कुछ चीज़ें बोलता है, मेरे को नेपालीज नहीं आता। सो आई डोंट नो क्या बोला, तो आई कैन रिएक्ट ऑन दैट। तो बता देना मेरे को कि क्या बोला था उस मादर चोद ने। हेरिरहेछु, टिकटकहरूमा पनि हेरिरहेछु, टिकटकमा पनि एकदम भुकिरहेछ, सोसल मिडियामा पनि हेरिरहेछु, भुकिरहेछन् होइन, मलाई चित्त दुख्यो होइन। है तो समझ नेपाललाई में दिल गाली दुखता गर्नु है। भनेको एउटा सिङ्गो राष्ट्रलाई गाली गर्नु हो, र फक राष्ट्रलाई गाली गर्नु भनेको हामी नेपाली जनतालाई गाली गर्नु हो, र नेपाली जनतालाई गाली गर्नु भनेको मलाई गाली गर्नु हो। बोल क्या रहा है मादर चोद, बता ना मेरे को प्लीज। थ्याङ्क यू, अझै म बोल्दैछु। त्यही भएर मैले धेरै देखिसकेँ होइन, सोसल मिडियाहरूमा धेरै बोलिरहेछन्, मुखमा जे आयो त्यही बोलिरहेको छ होइन, तिनीहरू जस्तै हामीलाई पनि बोल्न आउँछ होइन, के हामी के बोल्न आउँदैन, तिनीहरू भन्दा राम्रो बोल्न आउँछ। म यस कारणले मुख नछोडेको हो कि इँटाको प्रहार ढुङ्गाले प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उखान छ, इँटको सट्टामा पत्थरले प्रहार गर्नुपर्छ, ढुङ्गाले प्रहार ये तो गर्नुपर्छ। समझ में आया, ईद का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन हमने कब तेरे को ईंट मारा जो तू पत्थर से जवाब देने का ट्राई कर रहा है? तू ईंट मार रहा है, अगर हम पत्थर मारे ना बेंचो, एक एक आदमी भी मारे, खाली नेपाल नाम के जो बंदे है वही मारे ना, तो तेरी नेपाल की माँ चुट जाएगी भाई। गोड़ पर्छ भन्छन्, र हिन्दी भाषा बोल्न त मलाई त्यति आउँदैन, र नआए पनि केही कुराहरू हिन्दीमा मैले मिस्टेक गरेको छु होला, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? लाइक कमेन्ट सियर सियर चाहिँ प्रायः जस्तो नेपाली उसमा नगर्नु होला, नेपाली ग्रुपहरूमा नगर्नु होला, इन्डियाको ग्रुपमा गर्नु होला। हाँ, मुझे पता था ये नेपाली, इंडियन नेपाली जो है उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मुझे जो समझ में आया कि वो बोल रहा है कि इंडियन जो ग्रुप्स है नेपाली का, उसमें भेजने के लिए। भाई वो लॉयल है अपने देश के लिए, लॉयल है। दे आर इंडियन सिटीजन्स, दे आर नेपालीज, बट दे आर इंडियन सिटीजन्स। वो नेपाल में बोर्न नहीं हुए, जो नेपाल ना नेपाल का नमक खाए। लेकिन तूने तो मादर चो इंडिया का नमक खाया, मादर चो फिर किस लिए कर रहा है बावड़ी गैंड है? र मैले पनि गर्छु, मैले पनि इन्डियाको ग्रुपहरू छन्, दुई चारवटा राखेको छु होला, म तिनी ग्रुपहरूमा सेयर गर्छु, र तपाईँले पनि सेयर गर्नुहोला। यस्ता जाबा धोतीहरूको त नि कसरी बाजा बजाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छ, हामी भनेको एउटा वीरको सन्तान हो, यो सिग्रोटी काम त्यत्तिकै पाएको छैन। अरे साले वीर का जुनिया संतान, हिन्दुस्तानी डग ब्लैक वीर का संतान सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करे। शेम ब्रो शेम। डग लोग इधर सुनो, ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये यूनिफॉर्म तुम्हारा जैसा इंडिया को नहीं देता है, मालूम है? मैं मलेशिया में हूँ, तुम्हारा ब्लैक डॉग लोगों को नहीं देता है, सिर्फ ये ड्रेस देता है, नेपाली को देता है। अच्छा तू मतलब खाली इंडिया में आके चौकीदारी नहीं करा, तू अभी मलेशिया में भी चला गया चौकीदारी करने के लिए? हमारा इतना भी बुरा दिन नहीं आया बेटा कि मलेशिया में जाके चौकीदारी करें। हमारे इधर जॉब्स का कोई कमी नहीं है, जो बाहर के कंट्री में जाके दूसरा जॉब्स ढूंढे। एटलीस्ट चौकीदारी का जॉब ढूंढने के लिए बाहर तो नहीं जाएंगे अपने लोग, ये तो कन्फर्म है। तुम्हारे कंट्री में जॉब्स नहीं है, इसलिए तुम जाओगे मादर चो इंडिया में, जैसे आते हो दूसरे कंट्री में भी जाओगे। इसमें कौन सा इतना प्राउडली बोल रहा है बहन की चूत? नेपाली को क्यों देता है मालूम है? नेपाल एक स्वतंत्र राज्य है, और उस देश के नागरिक बहुत बहादुर होते हैं, स्वतंत्र राज्य, इंडिया का आर जैसे यू ए न्याय नहीं जोक? होते हैं। एम आई ए जोक टू यू ब्रो? मालूम है मलेशिया में भी बार मेरा बार स्वतंत्र राज्य कहाँ से लाता है? राज्य, यस राज्य, तेरा एक स्टेट है, स्टेट नॉट ए कंट्री। तो क्लियर बता ना कि ये मेरा स्टेट
स्वतंत्र स्टेट है, राज्य बोल के कंफ्यूज क्यों कर रहा है लोगों को? तेरा कोई नेपाल कोई कंट्री है बोल के? मुझे तो भाई गॉड, अब तो क्लास 10, मुझे नहीं पता था कि नेपाल कोई अलग कंट्री है। मेरे को यही लगता था कि नेपाल इज ए स्टेट व्हिच इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। पुरखा ने बहुत योगदान दिया है, बहुत अच्छा से नाम कमाया है, इसलिए हमारे को मलेशिया में सिक्योरिटी काम देते हैं। इससे ज़्यादा डिजर्व भी नहीं करता है। दो ही काम कर सकता है, एक तो सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा मोमो बेचने वाला। तो इट्स ऑल अबाउट योर लाइक शेयर एंड कमेंट, मुझे पता था जो भी है। तो बात यही है कि चूतिया चूतिया जैसा ही रहे, भोक मत ज़्यादा। इंडिया के अगर लोग आके तेरी गांड मारने लगे ना, तेरी गांड फट जाएगी, तेरी मैया चूत जाएगी, तेरी बहन चूत जाएगी, ठीक है?